नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्फाज को खोल कर बात को वाजे करके बताया था। एक तो होता है ना कि आपको किसी तशरीह में जाना पड़े, हुजूर ने बिल्कुल खोल के फरमाया कि औरतों से महज उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करना, इसलिए कि खूबसूरती उनको हलाकत में डाल देगी। और फरमाया महज उनके माल की वजह से शादी ना करना, माल उनको सरकश बना देगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करना। और ये इब्ने माजा में लफ्ज मौजूद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कान में सुराख वाली काले रंग की बांदी अगर दीनदार हो तो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर है। बांदी हो, रंग स्याह हो, कान में सुराख, उससे निकाह कर लेना, शर्त यह है कि दीनदार। बहुत असरात है माँ के, लिहाजा इस इंतखाब के अंदर बारीकी का मिजाज पैदा करें अगर अपने घर का माहौल ठीक रखना चाहते हैं। और अगर माहौल ठीक नहीं है तो फिर आप करोड़ों रुपया ले आए जिसके बच्चे ही नाकाम हो गए, उसके पैसे क्या करें? आप बहुत बड़ा घर बना लें लेकिन अगर बच्चे ही नाकाम हो गए तो आपकी बड़ी हवेली क्या कारनामा सर अंजाम दे। और इसी तरह का मामला मर्द के साथ भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें ऐसे लोग पैगामे निकाह दें जिनका दीन और इखलाक अच्छा हो तो फिर अपनी औरतों का निकाह उनसे कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना बरपा होगा, फसाद होगा। नेक मर्द जब मिले तो फिर उसके साथ निकाह करो। सही बताना, खाली नेक दे के रिश्ता दे दिया जाता है? नेक है, दीनदार है, अच्छे अखलाक वाला है, खाली तकवा दे के लोग रिश्ता देते? बड़ा कुछ देखा जाता है, बड़ा पस मंजर। यहां तो तनख्वाह थोड़ी हो तो कहते हैं कमाते है कुछ नहीं। अगर तो बहू आए तो फिर तो उसके नसीब का रिस्क है, अगर बेटी ने जाना हो तो फिर उसके नसीब का रिस्क नहीं होता। तो जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर रखी जाती है वहां घर का माहौल दुरुस्त रखना मुमकिन नहीं रहता। घर का माहौल उस वक्त दुरुस्त रहता है जब तकवा को, तहारत को, परहेजगारी को, उम्दा अखलाक को, उम्दा अतवार को, अच्छे नजरियात, सुथरे मिजाज को, खारदारी के माहौल को जब पेश नजर रखा जाता है।